नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार चुनावों को लेकर हम लगातार आपको अलग अलग रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं इस वक्त पे। इसी दौरान एक और बहुत भावुक कर देने वाली रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। भावुक कर देने वाली इसलिए क्योंकि चिराग पासवान एक लाइव इंटरव्यू में बोलते बोलते अचानक पहले तो बहुत भावुक हुए, गला सूखने लगा और इसके बाद रूंधी हुई आवाज़ में जब बात आगे बढ़ानी शुरू की तो उसके बाद फूट पड़े और रोने लगे और बुरी तरह से रोने लगे। हालात ये हो गए कि टीवी इंटरव्यू के बीच में ही परिवार का कोई सदस्य उन्हें चुप कराने के लिए आया और उसके बाद इंटरव्यू वहीं रोक दिया गया। लेकिन इन सारी स्थितियों के पहले और इनके बाद और ये स्थितियां क्यों बनती, दरअसल वो भी जान लीजिए। आपको पता है कि 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान का निधन हो गया था। उसके बाद से लगातार अलग अलग तरह की हमने आपको उनसे जुड़ी, बिहार चुनावों से जुड़ी उनकी कितनी यादें हैं वो आपको बताई। आपको ये भी बताया कि 51 साल में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि रामविलास पासवान के बिना जो है बिहार में ये चुनाव होने जा रहे हैं और अब इसी तरह से सिलसिला आगे बढ़ेगा क्योंकि उनका निधन हो चुका है। लेकिन ये स्थिति कैसे बनती ये भी जान लीजिए। एक इंटरव्यू में जब वो पूरा का पूरा अपना सारी की सारी बातें बता रहे थे कि कैसे पहले नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला और नीतीश कुमार की लगभग हर जो भी नीतीश कुमार कहते थे उसका लगातार विरोध करते थे। उसके बाद जेपी नड्डा से उनकी एक मुलाकात होती है, वहाँ पर वो अपनी कुछ शर्तें रखते हैं सीट्स को लेकर, MLC को लेकर, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर, और इसके बाद वहाँ भी बात बनती हुई नहीं नज़र आती है। तो वो बीजेपी से भी पल्ला झाड़ लेते हैं, वहाँ से भी अपनी राह जो है वो अलग कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद वो एक बयान और देते हैं, इसके बाद वो कहते हैं कि बीजेपी और हम मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी वो इस अंकगणित पर विश्वास रख रहे हैं कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो उनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, वो निश्चित तौर पर एक ऐसा आंकड़ा अपने साथ लिए हुए होगी जिससे वो फिर बीजेपी के साथ डील करने में पूरी तरह से सक्षम रहेगी और उस आंकड़े का कहीं ना कहीं कोई सियासी फायदा ज़रूर होगा जिस वजह से बीजेपी उनके साथ जुड़ेगी, ना कि JDU के साथ। तो ये निश्चित तौर पर एक तस्वीर उनके बयानों से साफ तौर पर समझ आ रही है कि वो इस तरह से सोच रहे हैं कि 10 नवंबर के दिन जो आंकड़े निकल कर आएंगे वो बिहार की सियासत को इस तरफ ले जाएंगे। तो ये एक उन्होंने अहम बात कही। इसके बाद दरअसल उन्होंने जो एक अहम बात कही वो फिर अपने पिता से जुड़ी, रामविलास पासवान से जुड़ी हुई थी। और चिराग पासवान ने कैसे इसके बाद ये बताना शुरू किया कि कैसे पिता के निधन के बाद पार्टी और परिवार दोनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। और आपको पता है 2000 का वो साल था जब लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना होती है, उसके बाद पिछले साल ही जब रामविलास पासवान की तबीयत खराब रहने लगी थी तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी जो है वो चिराग पासवान के ऊपर दे दी थी कि अब यहाँ से आप संभालिए पूरी की पूरी पार्टी। अब जब उनका निधन होता है तो निश्चित तौर पर वो कुछ बहुत भावुक लम्हों को याद करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी माँ को कहा कि हम 10 नवंबर तक बिल्कुल नहीं रोएंगे और उसके बाद, क्योंकि हमें कमज़ोर नहीं दिखाना है खुद को, हमें भावुक नहीं होना है इस दौरान, और 10 नवंबर के बाद हम दोनों मिलकर खूब रोएंगे। ये उन्होंने कहना शुरू किया जहाँ से वो पूरा का पूरा भावनात्मक जो एक ज्वार उनके अंदर बैठा हुआ था वो निकलना शुरू होता है और उसके बाद वो एक ऐसे मोमेंट को याद करते हैं जो परिवार का सबसे खास लम्हा होता है पूरे दिन का, जब वो अपने पिता रामविलास पासवान को, ये पूरे परिवार की एक तरह से रीत समझ लीजिए इसे, कि सोने से पहले गुड नाइट किस किया करते थे रामविलास पासवान को, चाहे कितना भी वक्त हो जाए, और ये पूरे परिवार में था। तो अब ये जब वो ये बात कहते हैं तो वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो इंटरव्यू वहीं पर बंद कर दिया जाता है और इसके साथ साथ ये बात भी वो लगातार इस दौरान कहते रहते हैं कि वो अपने पिता को कितना इस वक्त पे मिस कर रहे हैं और उनकी हर बार की मौजूदगी इस तरह की स्थितियों में जो मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर LJP के लिए मुश्किल परिस्थितियाँ, अगर आप सिर्फ इसे सियासत के नज़रिए से देखिए या चुनावी चश्मे से देखिए तो आपको लगेगा कि LJP के सामने इस वक्त पे जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और ऐसे समय में जब अपने आप में, सिर्फ अपने आप में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है LJP, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आंकड़े क्या कहेंगे 10 तारीख को, क्योंकि अगर आंकड़े LJP के फेवर में आ जाते हैं, चिराग पासवान के फेवर में आ जाते हैं, तो फिर एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत होती है यहाँ से, जिसमें फिर शायद बिहार की सत्ता भी होगी कभी आने वाले वक्त में, और फिर एक मैसेज भी होगा जो सीधे सीधे नीतीश कुमार को हिट करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार चुनावों से जुड़े हर छोटी बड़ी खबर को हम आपके सामने रख रहे हैं और ऐसी मार्मिक कहानियाँ भी रख रहे हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।